नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना दोस्त इन्फोटेक। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर दें। इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं कि हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप डेस्कटॉप पीसी से करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पीसी से भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने मोबाइल से करने वाला हूँ, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स में क्लिक करना है और रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट में क्लिक कर लेना है। जैसे करेंगे अब सर्च यूआरएल टाइप में आपको लिखना है सारथी परिवहन सेवा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जैसे इसको खोलेंगे आपको सारथी ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन ये इसका वेबसाइट होगा http://parivahan.government.in/sarthi-service-8-sarthi-home-public.do लिखेगा। इसमें आपको ओके कर देना है, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इसी में सबसे ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड में आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू लर्न लाइसेंस में क्लिक करना है। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपको ये पेज में आ जाइएगा। अब यहाँ से सिंपली कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, इसमें कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू डिप्लोमा, तो चलिए पूरा पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सिंपली सेलेक्ट में क्लिक करते हैं। अब इसमें आप क्या हैं तो इसको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, और डायरेक्टली आपको सबमिट कर देना है। इस ऑप्शंस में कहीं कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसको आपको फिलअप कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर लर्न लाइसेंस, तो जितना भी स्टार मार्किंग है फ्रेंड्स उसको आपको कम्प्लीटली भरना है। तो चलिए यहाँ सेलेक्ट में क्लिक करते हैं। अभी ये दिल्ली पूछ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ झारखंड सेलेक्ट नहीं किया था, मैं दिल्ली किया था, इसलिए ये दिल्ली कर रहा है। फिलहाल चलिए मैं इसे बैक आ जाता हूँ और शुरू से मैं इसे खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं परिवहन सेवा में फिर से जा रहा हूँ, परिवहन सेवा government.in। फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको खोलिएगा परिवहन सेवा तो कुछ इस तरीके से आएगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड में। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट नेम पूछा जा रहा है, तो सेलेक्ट स्टेट नेम में जैसे क्लिक करेंगे, अब मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन में जाते हैं और न्यू लर्न लाइसेंस में जाते हैं, प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए मैं इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेता हूँ। जैसे डेस्कटॉप साइट में करेंगे फिर से ये वेबसाइट के कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर न्यू लर्न लाइसेंस में क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया, सेम है। फिर इसमें आपको सबमिट कर देना है। अब देखता हूँ मेरा स्टेट चेंज हुआ या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेट चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं झारखंड से, इसलिए मैं झारखंड कर दूँगा। और यहाँ पर RTO पूछा जा रहा है, तो आपका DTO RTO कौन सा होगा अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। फिलहाल मैं खूंटी कर रहा हूँ, DTO खूंटी, क्योंकि मैं खूंटी से हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं DTO खूंटी JS23 किया हूँ। अब यहाँ पर पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड लेगा नहीं। अब यहाँ पर आपका आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर हो वो आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं डाल दे रहा हूँ, जो भी है 2 4
छः आठ दस बारह चौदह एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास, देखिए ये कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि ये स्टार मार्किंग नहीं है, लेकिन आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, चलिए मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ और लास्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम हो तो आप मिडिल नेम भी डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर रिलेशन पूछा जा रहा है तो रिलेशन फादर डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर अपने फादर का नाम मैं डाल दे रहा हूँ और लास्ट नेम, फ्रेंड्स मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर पूछा जा रहा है तो मेल कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर ले रहा हूँ। आप कम्प्लीटली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे मैं यहाँ डाल दिया 2003 आ गया, सॉरी चलिए ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर पूछा जा रहा है पैलेस ऑफ बर्थ, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पैलेस बर्थ डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं तोरपा डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए मैं यहाँ पर 10+2 डाल दे रहा हूँ। अब आपके यहाँ पर ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, मैं एफ पॉजिटिव डाल दे रहा हूँ। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। ये जैसे मोबाइल नंबर ये आपको कंपलसरी है, यहाँ पर चलिए मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्टरनेट नंबर, अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो डाल सकते हैं, कोई ये नहीं है। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपका मार्क होगा वो आप डाल सकते हैं। सॉरी मैं इसे इंग्लिश में कर लेता जो भी हो आप डाल सकते हैं। चलिए मैं ज़्यादा टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं सेम लिख दे रहा हूँ मोल मार्क। ऐसे कंपलसरी नहीं है लेकिन डाल ही दीजिएगा तो अच्छा होगा। मैं दोनों में सेम डाल दिया आप लोगों को बताने के लिए। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सब पूछा जा रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सेलेक्ट सीओ ब्लॉक पूछा जा रहा है, तो मैं तोरपा से हूँ तो मैं तोरपा कर देता हूँ। यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है आप तोरपा के कौन से ये से हो, कौन से गांव से हो, तो फिलहाल मैं यहाँ पर तोरपा सिटी डालने वाला हूँ क्योंकि मैं तोरपा खास से हूँ। देखिए यहाँ पर आपको तोरपा सिटी नज़र आ रहा है, तोरपा सिटी। अब यहाँ इंटर पिन कोड, चलिए मैं अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ इसमें। अब यहाँ डायरेक्शन स्टडी प्रेजेंट एड्रेस, तो ये सब कंपलसरी नहीं डालिएगा। अब यहाँ पर कॉपी टू परमानेंट एड्रेस, अगर आपका अलग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग डाल सकते हैं, फिलहाल मेरा सेम है इसलिए मैं सेम डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है और इसमें आपको टिक करना है, नीचे वाला डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है, दोनों में यस यस। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको व्हीकल के बारे में, तो सबमिट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट आरटीओ पूछा जा रहा है, सॉरी मैं आरटीओ यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पाया था, नुल नुल दिखा रहा है। यहाँ पर इनवैलिड क्यों हो गया, से जाने के कारण। चलिए मैं दूसरा स्टेट सर्च कर लेता हूँ, आ गया। फिर से मैं इसे झारखंड कर देता हूँ और स्टेट में मैं ये डीटीओ खूंटी कर देता हूँ। चलिए डीटीओ खूंटी कर दिया, मेरा सब कंप्लीट भरा हुआ है। अब यहाँ पर सबमिट करता हूँ मैं, देखता हूँ, और यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे फ्रेंड्स तो कुछ अगर गलत, यहाँ सीओ ब्लॉक पूछा जा रहा है तोरपा, यहाँ जहाँ देखिए फ्रेंड्स ये खुल गया। प्रेस तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब इसको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ एलएमबी
फोर व्हीलर के लिए और टू व्हीलर के लिए कर रहा हूँ, तो नॉन ट्रांसपोर्ट ये मोटरसाइकिल विथ गियर मैं ये दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया और मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। एंटर पिन कोड इन प्रेजेंट एड्रेस, चलिए यहाँ पर मैं पिन कोड नहीं डाल पाया था, ये शो कर देगा फ्रेंड्स अगर आप कहीं गलती करते हैं तो। चलिए अब फिर सबमिट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। मैंने सबमिट में क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पर फिर व्हीकल क्लास पूछा जा रहा है, तो फिर से मुझे भरना होगा LMV मोटरसाइकिल गियर, कर देता हूँ और ओके करता हूँ। चलिए और फिर सबमिट करता हूँ। सेलेक्ट एनी डिस्ट्रिक्ट परमानेंट एड्रेस, सॉरी यहाँ पर जो गड़बड़ाया था फर्स्ट में कुछ मिस्टेक हो गया था जिससे DTO उड़ चुका था, तो इस कारण से ये आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं इसे फिलअप कर देता हूँ। मैं यहाँ तौर पर सिटी कर लेता हूँ। ये आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है फर्स्ट टाइम में अगर आप, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इस कारण से इस तरीके से हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अब सबमिट करते हैं। देखिए अब बोला जा रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग एक्सेप्टेड, तो ओके कर देना है और फिर आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डाटा, तो मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली से देखिए एक मैसेज भी आ गया, योर एप्लीकेशन नंबर ये आपके मोबाइल नंबर में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप इस पेज को प्रिंट एनक्लोजमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर से अगर एप्लीकेशन को प्रीफिल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन होती है, तो यहाँ से जो फॉर्म ए है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, तो सब तीनों फॉर्म को। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर जैसे आएगा यहाँ पर फिल एप्लीकेशन डिटेल्स लर्निंग लाइसेंस LL कंप्लीट है, अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करना है फ्रेंड्स। अब जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और प्रोसीड करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ ओके करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आप URL में करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट JPG फाइल में या PDF फाइल में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट टाइप में करेंगे तो फिर एस प्रूफ हमको डालना होगा। एस प्रूफ में के लिए क्या क्या मान है, SSLC सर्टिफिकेट, स्कूल एजुकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको हम लोग पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट बाय नोटरी, LIC या पैन कार्ड, तो आप सिंपली से पैन कार्ड डाल दीजिएगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर इसको ये दोनों को छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी पैन नंबर डाल देना है और इशू ऑथेंटिक ऑथराइज क्या है डिजिग्नेशन इसको आपको छोड़ देना है और चूज फाइल करके आपको यहाँ पर अपलोड में क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे अपलोड में क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाएगा। आपको और क्या क्या एप्लीकेशन फिल करना है ये भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपको अपना आधार कार्ड अप्लाई करना होगा, अप्लाई आधार कार्ड डालेंगे और जो अपलोड प्रिंट आएगा जो आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए होंगे फॉर्म में उसको अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों को शेयर भी कर दें और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके का रिप्लाई जल्द ही करूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।